हाई वी वन, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर हॉल वीडियो. सो आज का जो हॉल वीडियो होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ऑन अमेजॉन अफोर्डेबल टॉप्स हॉल. सो यहाँ पे इसे मैंने लिए है टॉप्स जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, अंडर 450 रुपीज़ है. सो ये जो टॉप्स है ये अच्छे ब्रांड्स है, ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल है बहुत सस्ते टॉप्स है तो मैंने कोई भी ब्रांड दिखाया है. सबके जो ब्रांड्स ये अच्छे ब्रांड्स हैं एंड मैंने इसे पहले भी इस्तेमाल किए हैं एंड काफ़ी कम्फर्टेबल कपड़ा है. सो ये जो है आप कैजुअली पहन सकते हैं एंड और भी अगर अच्छे से थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के अगर आप इन्हें स्टाइल करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी भी लग सकते हो. सो दीज आर रियली नाइस गुड क्वालिटी टॉप्स. सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द हॉल, समर स्टार्ट हो चुका है, वेदर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मतलब समर में काफ़ी ज़्यादा हीट होता है. सो स्किन केयर जो है इसे चेंज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वेदर के हिसाब से ना आपने आपके स्किन केयर को चेंज करना चाहिए. उसी तरीके से आपके स्किन में बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन जाएगा, आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर होगा. सो ऐसा तो नहीं है कि आप विंटर के टाइम पर जो स्किन केयर इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप समर के टाइम पर इस्तेमाल करोगे, बिकॉज विंटर का जो वेदर होता है काफ़ी हार्श होता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग होता है. बट समर का जो वेदर होता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी स्किन चिपचिपी लग सकती है इफ़ यू डू नॉट यूज़ right kind of products. So today I will be sharing with you all my summer skincare routine. सो ये जितने सारे भी प्रोडक्ट्स इससे पहले मैंने ट्राई किए हैं, दीज आर बाय द ब्रांड प्लम. सो दिस इज़ अ पेड कोलैबोरेशन बाय प्लम. सो इससे पहले भी मैंने यही प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है एंड इन्हें मैंने इस्तेमाल किया एंड मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ. सो टुडे आई बी शेयरिंग विद यू ऑल कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेरे समर स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वॉश के लिए आई यूज़ दिस फेस वॉश. सो दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर लाइक ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन. मेरा जो स्किन है ये ड्राई है वैसे तो, बट ना कभी कभार ऑयली हो जाता है एंड एक्ने प्रोन स्किन है. आप सबको इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू ऑल नो कि मेरी स्किन जो है एक्ने प्रोन स्किन है. सो फॉर दैट द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज इज दिस फेस वॉश. दिस इज द ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश. 75 ml का आपको ये मिलता है. सल्फेट फ्री है, नॉन ड्राइंग प्रोडक्ट है ये. सो ये ना बहुत अच्छी तरीके से फोम होता है. यू नीड अ वेरी टाइनी अमाउंट. आप इसे डे एंड नाइट टाइम में डेफिनेटली आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा जेंटल फेस वॉश है एंड ये आपके ना पीएच लेवल को बिल्कुल भी लाइक स्ट्रिप नहीं करता है. जैसे आप इसे लगाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी स्किन जो है ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है. सो इट्स अ वेरी जेंटल फेस वॉश. 75 ml का आपको मिलता है एंड इसका जो प्राइस है ये 345 rupees का है. सो ये जो फेस वॉश है इसमें आपको थोड़े से एक्सफोलिएटिंग बीड्स भी मिल जाएंगे एंड बहुत जेंटली आपके फेस को एक्सफोलिएट भी करता है. सो उसके बाद आई हैव दिस प्रोडक्ट. नाउ दिस इज अ सनस्क्रीन. समर में या फिर कोई भी सीज़न में सनस्क्रीन इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आप बाहर जा रहे हो तभी भी आपने सनस्क्रीन लगाना, अगर आप घर पे हो तभी भी सनस्क्रीन लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सन के जो रेज़ है आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ द SPF 30 PA++++ ग्रीन टी डे लाइट सनस्क्रीन जेल्स एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है. ये बिल्कुल भी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है एंड बिल्कुल आपके स्किन को इरिटेट नहीं करता है ना. तो ये जो सनस्क्रीन है बहुत अच्छी तरीके से आपके फेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. ये 50 ml का है एंड ये आपको मिल जाएगा 575 rupees में. सो उसके बाद दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस मास्क दैट आई एवर यूज्ड. आई हैव ऑलरेडी यूज्ड टू ऑफ दिस बिफोर एज वेल, मतलब पूरा ख़त्म किया है. सो माई ब्रदर ऑल्सो हैज़ ऑयली स्किन. तो ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ मैं और मेरा भाई भी इस्तेमाल करते हैं. वर्क्स रियली वेल फॉर सुपर एक्ने प्रोन स्किन एज वेल. सो ये है प्लम का ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क. ये जो है आपको 60 grams का मिलेगा. इसका प्राइस है 490 rupees. सो इसके साथ साथ ना आपको कोई भी मतलब पानी या नॉल मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मूथ टेक्स्चर, काफ़ी क्रीमी इसका टेक्स्चर है एंड आपको बस एक बहुत ज़्यादा लाइट लेयर अप्लाई करना है. आई लीव इट ऑन फॉर लाइक 15 to 20 minutes. तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर लिया है, आप देख सकते हो. एंड यू रियली नीड अ वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ दिस. सो इसमें ग्रीन टी डाला गया है तो आपका जो एक्ने है वो हल्का सा उसे काम करता है एंड आपका जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है. आपके जो पोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन होते हैं एंड आप वीक में 2 बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है एंड दिस इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट एंड इट स्मेल्स रियली गुड. तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने इसे कितना ज़्यादा ख़त्म कर लिया. आई रियली रियली इन्जॉय यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्लियरिंग फेस मास्क. एंड उसके बाद इज दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज़ द प्लम ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल. सो दिस इज़ अ नाइट जेल, नॉट अ नाइट क्रीम. सो इसका जो टेक्स्चर है ये काफ़ी ज़्यादा जेल कंसिस्टेंसी का है. सो ये 50 ml का है एंड इसका जो MRP है ये 575 rupees का है. सो ये बहुत अच्छी
अच्छी तरीके से आपके स्किन को नरिश करता है। एंड ऑल्सो ये जब आप लगाओगे बिल्कुल भी स्टिकी या ऑयली फील नहीं होगा, बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है। दिस ऑल्सो हैज़ लाइक अ पिलो प्रूफ फॉर्मूला, तो जब भी आप लगा के इसे सोओगे तो ये आपके पिलो पे ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड टेक्स्चर इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा वाला टब है जिसे मैंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया। दिस इज़ समथिंग दैट मी एंड माई ब्रदर वी बोथ यूज़, सो दिस वर्क्स वेल फॉर अस बिकॉज वी हैव एक्ने प्रोन स्किन। सो ये भी आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर रियली रियली गुड एंड दे आर वेरी जेंटल ऑन द स्किन एज वेल है। बट ऑल्सो यू कैन अवेल 10% ऑफ बाई यूजिंग माई कोड जो कि स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। एंड ये जो कोड है आप सारे ग्रीन टी प्रोडक्ट्स के रेंज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी में आप कोई भी प्रोडक्ट लो तो आपको ये जो डिस्काउंट है ये लगाने पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ऑल्सो अगर कोई भी एम्प्टीज है आपके पास, जो भी खाली डब्बे या फिर टब्स है, यू कैन सेंड दैट बैक टू प्लम। सो दिस इज लाइक यू नो एम्प्टीज फॉर गुड एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप आपके एम्प्टीज वहां पे भेजते हो तो यू कैन यू नो अर्न रिवॉर्ड्स एज वेल, सो वो भी आप कर सकते हो। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई इंक्लूड इन माय समर स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग एंड नाइट टाइम के रूटीन के लिए। सो ग्रीन टी रेंज है, सो इट्स रियली गुड फॉर लाइक एक्ने प्रोन स्किन जो कि मेरा स्किन टाइप है। कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो फॉर योर स्किन केयर रूटीन ड्यूरिंग द समर टाइम। सो लिंक्स जो है वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप चेकआउट एंड परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ टॉप्स है जो कि मैंने परचेज किए हैं अमेजोन से। सो द फर्स्ट वन इज दिस। सो दिस इज़ बाय द ब्रांड हनी जो कि पैंटलून्स का ब्रांड है। हनी इज़ अ रियली नाइस ब्रांड। कपड़े जो है सेल के टाइम पे, सेल मतलब ऑफर जब चलते हैं या सेल जब चलता है तभी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिलते हैं। सो ये लाइक ऑफर में चल ही रहा था। सो इट्स अ वेरी क्यूट शर्ट। सो ये जो शर्ट है ये आप मतलब हल्के से बटन्स ओपन करके एंड देन यहाँ पे नॉट बांध के भी इसे एज अ क्रॉप टॉप भी पहन सकते हैं एंड इन करके भी पहन सकते हैं विथ रिप जीन्स एंड ऑल। सो इसका जो फैब्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी समर अप्रोप्रिएट है। आपको कॉलर इस तरीके का मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। सो आप यू नो ऑफिस या कॉलेज के लिए भी पहन के जा सकते हैं। स्लीव्स ये आप देख सकते हैं उसके बहुत छोटे हैं एंड यहाँ पे आपको दो बटन्स मिल जाएंगे। सो ये फर्स्ट है एंड इसमें आप देख सकते हो कि इस तरीके के लाइक नो टाइगर शायद या टाइगर या कैट फैमिली का कुछ बना हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। आई गॉट दिस इन द साइज स्मॉल। इसमें कोई और कलर्स अवेलेबल नहीं थे, देयर वॉज जस्ट दिस वन एंड दिस इज़ अ रियली नाइस मस्टर्ड कलर। समर के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आई गॉट दिस टॉप, अगेन वेरी समर अप्रोप्रिएट, वेरी ब्यूटिफुल टॉप। सो दिस इज़ बाय द ब्रांड पोइट्री। नाउ पोइट्री के मेरे पास दो तीन टॉप्स है जो कि मैं मतलब ऑफिस के टाइम पर पहनती थी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में। जब सेल चल रहा होता है काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में आपको टॉप्स मिल जाते हैं ये ब्रांड से। सो दिस इज़ हाउ द टॉप लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टॉप। आपको सामने इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा जो कि नेट जो इसका दे रखा है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होइजरी टाइप के मटीरियल का दे रखा है एंड इसमें पोलका डॉट से डिज़ाइन बना हुआ है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर टाइप का टॉप है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल लूज पैटर्न का टॉप है। आई गॉट दिस इन द साइज स्मॉल एंड इसे आप अगर चाहे तो लंच पे भी पहन सकते हैं, शॉपिंग जा रहे हैं तभी भी आप इसे पहन सकते हैं इफ यू स्टाइल इट वेल। So this is the next one. So उसके बाद I got this basic top just because of the color. It's so beautiful. So this is by the brand Only. Only is one of my favorite brands. So ये जो है ना again discounted rate में बहुत affordable price में मिल रहा था। This is a very beautiful lilac या lavender color and इस पर लिखा हुआ है what is it space cadet। सो इसमें स्पेस कैडेट लिखा हुआ है। स्लीव्स अगर आप इसे इसके देखोगे ना इस तरीके के फ्रिल्स दे रखे हैं एंड देन आपको शॉर्ट स्लीव्स मिल जाएंगे। इसे मैंने स्मॉल साइज में लिया है। ये भी ना मेरे पास एक रिप्ड जीन्स है उसके साथ अगर मैं ये पहनूंगी एंड देन इफ आई एम वेयरिंग लाइक स्नीकर्स तो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आई गॉट दिस। तो काफ़ी कैजुअल है, काफ़ी सुंदर है एंड कलर जिसका दे रखा है काफ़ी यू नो इट लुक्स रियली रियली गुड। एंड यहाँ पे जो डिज़ाइन भी दे रखा है, जो फॉल प्रिंट टाइप का काम दे रखा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई लाइक दिस as well. सो उसके बाद मैंने एक रेड कलर का टॉप लिया है। सो ये जो रेड है ये आप चाहे तो एज अ फॉर्मल वेयर भी पहन सकते हैं, कैजुअल के हिसाब से भी आप पहन सकते हैं। सो दिस इज़ बाय द ब्रांड आई थिंक हनी का ही था।
नो सो दिस इज़ बाय द ब्रांड पोइट्री ओनली. सो ये मतलब पोइट्री ब्रांड का है, स्मॉल साइज में मैंने इसे लिया है. इसमें भी कोई कलर अवेलेबल नहीं था. सो नेक आप देख सकते हैं, आपको राउंड नेक मिल जाएगा एंड यहाँ पे इस तरीके की लाइंस बने हुए हैं. सो स्लीव्स के लिए आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगे. नाउ इसे अगर आप पहनना चाहो तो ग्रे कलर के वेल फिटेड ट्राउजर के साथ इसे आप टक इन कर सकते हैं, या फिर जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं. यू कैन लेट दिस लूज एंड शॉर्ट्स के साथ भी आप इसे पहन सकते हैं. सो इसका जो नेक, इसका जो बैक अगर आप देखोगे तो इसका वी टाइप का बैक है एंड बैक जो है इसका हल्का सा डीप है. सो ये आप कैजुअल वेयर के हिसाब से भी पहन सकते हैं एंड अगर आप चाहे तो फॉर्मल वेयर के हिसाब से भी पहन सकते हैं. सो उसके बाद आई गॉट दिस ब्लैक एंड वाइट टॉप. सो दिस इज़ बाय द ब्रांड फैब एली. फैब एली के जो कपड़ों की फिटिंग होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. सो इसे भी मैंने स्मॉल साइज में लिया है. सो दिस इज़ हाउ द टॉप लुक्स लाइक. सो इसे आप नाइट टाइम में भी पहन सकते हैं, कैजुअल वेयर के हिसाब से भी आप पहन सकते हैं. सो इसका आप देख सकते हो कि ये कोल्ड शोल्डर इस तरीके का दे रखा है एंड इट्स अ क्रॉप टॉप. सो इसके साथ भी आप हाई वेस्टेड जीन्स या फिर फ्लेयर जो पैंट्स होते हैं या बेल बॉटम्स है वो भी आप पहन सकते हैं इसके साथ. सो ये शॉर्ट है एंड इसमें आपको यू नो पीछे चेक्ड पैटर्न मिल जाएगा एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में इस तरीके का डिज़ाइन है. स्लीव्स अगर आप देखोगे तो 3/4 स्लीव्स दे रखे हैं एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप का मटेरियल मिल जाएगा. सो इसका भी जो फैब्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. सो समर के टाइम पे इनफैक्ट जितने भी सारे मैंने लिए हैं आई डोंट रिग्रेट बाइंग एनी ऑफ देम. काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिला. सो उसके बाद आई गॉट दिस. ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. इस तरीके का मेरे पास बेरमोडा का है बट वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है. सो आई थॉट ऑफ गेटिंग अ न्यू वन. सो ये नेवी ब्लू कलर का है. दिस इज़ बाय द ब्रांड ग्लोबस. सो ग्लोबस के ना अगर आप सर्च करोगे, अगर आप और अफोर्डेबल टॉप्स में से चेकआउट करना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू माय लिंक. जो हॉल पैक का लिंक मैं दे दूंगी, एक ही लिंक दे दूंगी, उसमें आप सारे के सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. सो उसमें से जब आप जाके देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी. इसके अलावा अगर आप और अफोर्डेबल चीज़ें देखना चाहते हो तो ग्लोबस के टॉप्स जो है आप चेकआउट कर सकते हैं. बहुत अफोर्डेबल, 200-250 में आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स मिल जाएंगे, 300-350 तक भी. सो आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट सा टॉप है ना, इसके अंदर बस आप कैमिसोल एक पहन लोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा. इवन इफ यू आर वेयरिंग अ वाइट कैमिसोल या फिर ब्लैक भी पहनो, नेवी ब्लू भी पहनो एंड अगर आप चाहो तो लेमन येलो कलर का भी कैमिसोल पहन सकते हैं विद लाइट ब्लू जीन्स एंड यू नो स्नीकर्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है. सो इस तरीके का है. इसमें बहुत सुंदर से इस तरीके के डिज़ाइन बने हुए हैं, जाली जाली टाइप के आप देख सकते हो. इट लुक्स वेरी रिच एंड ये बिल्कुल भी अंडर 450 तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि इसका जो कपड़ा है ये काफ़ी अच्छा है. सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस एज वेल. एंड लास्ट मैंने जो लिया है, अगेन मैंने ग्लोबस से ये टॉप लिया है. वेरी समर अप्रोप्रिएट, वेरी शीक, वेरी स्टाइलिश टॉप. सो नेक आप देख सकते हो इसका हल्का सा डीप है, मतलब इतना ज़्यादा भी डीप नहीं बट नॉर्मल से हल्का सा डीप है. ऑफ वाइट कलर का है ये. इस पर बहुत ज़्यादा सुंदर इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है, वेरी लाइक ट्रेडिशनल टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है. ये स्लीव लेस है, इसमें कोई भी मतलब स्लीव्स अटैच नहीं आते हैं. सो फ्रंट से ये इस तरीके का प्लेन है एंड बैक से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेचेबल मटेरियल इस तरीके का मिल जाएगा. तो ये जो बैक का मटेरियल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. सो इस तरीके के जो टॉप्स हैं ना, आप जीन्स के साथ पहन सकते हो, ब्लैक जीन्स के साथ भी अच्छा लगेगा एंड अगर आप चाहो तो आप शॉर्ट्स के साथ लाइक यू नो वेल फिटेड शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हो, स्कर्ट के साथ भी, पलाजो के साथ भी पहन सकते हो एंड इंडो वेस्टर्न लुक भी क्रिएट कर सकते हो. सो इसे भी मैंने स्मॉल साइज में लिया है. This is the last one. So that completes my haul. Definitely मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये हॉल वीडियो कैसा लगा. आई वुड लव टू नो एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा टॉप अच्छा लगा एंड ऑल्सो योर प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़ फॉर योर स्किन केयर रूटीन. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.